इस तरह की ट्यूबलाइट बनाने के लिए दोस्तों हम इसमें खराब ट्यूबलाइट का यूज़ करेंगे। दोस्तों 20 वाट की दोस्तों ये ट्यूबलाइट हैं, दोनों दोस्तों डेड कंडीशन में हैं, दोस्तों ये जल नहीं रही हैं। वाइट कलर की दोस्तों ये ट्यूबलाइट हैं, इनका दोस्तों हम यूज़ करके एक बहुत ही शानदार ब्लिंकिंग ट्यूबलाइट बनाने वाले हैं। तो इनमें हम इन दो ट्यूबलाइटों का दोस्तों यूज़ करेंगे और इनको दोस्तों मॉडिफाई करने के लिए हम इसमें जो LED स्ट्रिप लाइट की जो दोस्तों ये वाटरप्रूफ वाली जो LED लाइट आती हैं दोस्तों, ये DC 12 वोल्ट पर दोस्तों ऑन होती हैं, तो इनका दोस्तों यूज करके हम इसको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन ट्यूबलाइट के अंदर दोस्तों जो चौक और जो LED लगी हुई है उनको हम बाहर निकाल देते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम इसको कुछ इस तरीके से इसके अंदर डालकर इसको इंस्टॉल कर देंगे और ऐसे ही दोस्तों हम इसमें जो हमारी दोनों ट्यूबलाइट हैं उनमें कुछ इस तरीके से इसमें भी दोस्तों इसी तरीके से लगा देंगे। इस ये वाली ट्यूबलाइट है इसके दूसरे जो ऊपर की जो कैप है वो निकल जाती है, तो उसको निकालने के बाद दोस्तों जो LED स्ट्रिप लाइट है दोस्तों उसको हम कुछ इस तरीके से ऐसे करके इसको चिपका देंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमें इसे लगा देंगे और लगाने के बाद दोस्तों इसको भी दोस्तों हम बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद दोस्तों अब इसको हम 220 AC से जलाने के लिए दोस्तों इसमें एक सर्किट बनाएंगे दोस्तों। तो इस सर्किट बनाने के लिए दोस्तों इसमें हम डायोडों का यूज़ करेंगे, तो इन डायोडों से सबसे पहले हम इसमें ब्रिज एक्टिफाइड बनाएंगे। तो सबसे पहले दो प्लस वाले लेगों को दोस्तों कुछ इस तरीके से आपस में जोड़ देंगे, फिर दो माइनस की लेगों को कुछ इस तरीके से आपस में जोड़ देंगे, फिर इन दोनों को कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों हम इसमें एक ऐसे ही दोस्तों हम इनके पहले दोनों ब्रिज एक्टिफाइड बना लेते हैं दोनों LED ट्यूबलाइट में लगाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने इन्हें बना दिया है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगर फिर भी दोस्तों आपको नहीं पता है। फिर इसके बाद दोस्तों हम इसमें 105 के पॉलीप्रोपाइलीन कैपेसिटर का यूज़ करेंगे और उसके साथ दोस्तों हम 1M5 रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। ऐसे ही दोस्तों हम इसमें एक और 1M5 रेजिस्टेंस के साथ 105 के पॉलीप्रोपाइलीन कैपेसिटर और एंड उसके बाद दोस्तों हम इसमें एक कैपेसिटर का यूज़ करेंगे 35 वोल्ट 470 माइक्रोफेरेड। इसकी जो माइनस वाली लेग है दोस्तों वो हम डायोडों की माइनस वाली इस लेग के साथ और जो प्लस वाली है दोस्तों और इसके साथ दोस्तों हम इसमें 10 ओम की रेजिस्टेंस को दोस्तों हम इसमें जोड़ेंगे और उसके डायरेक्ट अपोजिट साइड में दोस्तों हम इसमें जो हमने पॉलीप्रोपाइलीन कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के साथ दोस्तों जोड़ा था उसी के साथ, तो ऐसे ही दोस्तों हम इसमें भी 10 ओम की रेजिस्टेंस और उसके सामने 105 के और 1M5 रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद दोस्तों अब इसमें हम सोल्डरिंग कर देंगे। तो सोल्डरिंग करने के बाद दोस्तों इनकी जो एक्स्ट्रा लेगे हैं उनको दोस्तों हम कट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने इनको सर्किट को बनाया है। और ये वाली जो दोस्तों सर्किट बनी है दोस्तों ये 220 AC से हमें दोस्तों 12 वोल्ट आउटपुट में दोस्तों देगी और हमारी जो ट्यूबलाइट हैं दोस्तों वो आसानी से दोस्तों 220 AC से ग्लो हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने इसको सोल्डरिंग कर दिया है और कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारी जो सर्किट हैं दोस्तों वो बन गई हैं, देख सकते हैं दोस्तों आप। अब इनको दोस्तों हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें AC 220 AC के वायर जोड़ने के लिए दोस्तों पॉलीप्रोपाइलीन कैपेसिटर की जो लेग है और जो रेजिस्टेंस की लेग है उनको दोस्तों आप उसमें जोड़ देंगे। ये वाले हमारे 220 AC इनपुट हो गया और आउटपुट के लिए दोस्तों हमारे जो कैपेसिटर लगा है वहाँ पर जो लेग है माइनस की वहाँ पर हम माइनस LED स्प्लाइट का वायर और प्लस की है वहाँ पर प्लस का, तो ऐसे ही कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने इसमें कनेक्शन कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों हम इसको यहाँ पर अंदर फिक्स कर देंगे और ऐसी जो हमारी दूसरी ट्यूबलाइट है इसको भी दोस्तों हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको फिक्स कर देंगे। तो दोनों हमारी जो ट्यूबलाइट दोस्तों ख़राब ट्यूबलाइट थी उनको हमने एकदम बढ़िया कलरफुल बना दिया है। अब इनको दोस्तों हम इसमें टेप द्वारा कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने कर दिया, यहाँ पर हमने दो वायर निकाल दिए हैं और कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारी ट्यूबलाइट है वो बन चुकी है। अब इनकी दोस्तों हम आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो ट्यूबलाइट है वो कितना एकदम बढ़िया तरीके से एकदम ग्लो हो रही है और एक देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, सारे दोस्तों इसमें कलर हैं और काफ़ी सस्ते में दोस्तों हमने घर पर ही LED स्ट्रिप लाइट से एक अच्छी ट्यूबलाइट दोस्तों बना दिया है। तो वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएँ और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।